एबीपीएस न्यूज। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बदायूं के ब्लॉक इस्लाम नगर में स्थित नगला बाराहा गांव पड़ा। वर्तमान में गांव के प्रधान कटोरी देवी हैं। लगभग 3500 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर, तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 6 किलोमीटर ही है। लगभग 1200 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। गांव में लगभग 388 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी स्कूल में लगभग 320 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 52 हैंडपंप गांव के प्रधान द्वारा लगवाए गए हैं तथा 20 हैंडपंप सरकार से और लगवाने की मांग है। इसी के साथ ही विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 30 विद्युत पोल, 3 विद्युत ट्रांसफार्मर व 25 सोलर लाइटें भी गांव में लगवाई गई हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 8 सीसी टाइल्स रोड, 10 खडंजे, पानी निकासी के लिए नाला, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, शमशान घाट, पानी की टंकी, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं प्रधान पुत्र देवाराम, ग्राम पंचायत नगलावारा, विकास खंड इस्लाम नगर, जनपद बदायूं। जो सरकार ने पैसा दिया वो मैंने ईमानदारी के साथ कार्य में लगाया और जो भी कार्य करूंगा वो ईमानदारी के साथ करूंगा। मेरे गांव में कुछ और कमियां हैं, जैसे बिजली की कमी है, पानी की टंकी नहीं है, प्रधानमंत्री आवास नहीं है, शौचालय की भी कमी है।